हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल मनीष प्रकाश मैथमेटिक्स क्लासेज में। हम लोग यहाँ अब डिस्कस करेंगे रियल नंबर का एक नया चैप्टर, नया एक्सरसाइज में आपका 1.2, जो कि आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.2 है। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम लोग जाना था एक्सरसाइज 1.4 के बारे में और उसके बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग क्लियर किए थे, डाउट क्लियर किए थे। यदि बच्चे आपको यदि कुछ उसमें भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं, और इसके पहले वाले वीडियो यदि आप नहीं देखे हैं तो यहाँ नीचे आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और उस पर जाकर आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब बात करते हैं एक्सरसाइज 1.2 में, और यहाँ है आपको HCF और LCM निकालने के बारे में। तो यहाँ बच्चों, यहाँ HCF और LCM निकालने का पहला मेथड हम लोग जानते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन से। चलिए उससे भी कुछ क्वेश्चन बनाते हैं और उसके कुछ HCF और LCM में क्या रिलेशन होते हैं, दो नंबर है उसके HCF और LCM में क्या रिलेशन होते हैं उसके बारे में भी जानते हैं, उस पर भी आपका क्वेश्चन आता है। तो चलिए दोस्त देखते हैं। देखिए यहाँ है एक क्वेश्चन आपका लिया जाए, मान लीजिए जैसे कि 1250 है, तो 1250 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये तो करने आता है। या प्राइम फैक्टराइजेशन को हम लोग सबसे पहले स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से ही लगाने का कोशिश करते हैं। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है आपका 2, तो क्या ये 2 से डिवाइड होगा? तो हाँ होगा, क्योंकि ये लास्ट में 0 9 है। ठीक है, तो ये 2 से डिवाइड करते हैं तो होता है आपका 625। उसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर देखते हैं हम लोग 3, तो 3 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ पर 6 2 8 8 5 11, 11 3 से डिवाइड नहीं होता, सॉरी 8 5 13, 13 आपका 3 से डिवाइड नहीं होता, जिसके कारण ये भी आपका डिवाइड नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पर नेक्स्ट हो गया आपका 3 के बाद 5, 5 से डिवाइड करते हैं तो 125, अगेन 5 से 25, फिर अगेन 5 से 5 टाइम्स, मीन्स आपका 1250 का आपका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा जाए तो 2 × 5 का पावर कितना? 4। ये आपका हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, यदि इसी के साथ एक और नंबर आता है, जैसे कि आपका मान लिया जाए 1200 है, ठीक है, तो 1200 का फैक्टराइज कीजिएगा तो 2 से 300 टाइम्स, अगेन 2 से 150, 2 से 75, अब 2 से नहीं 3 से 25, अब 5 से 5 टाइम्स, 5 से 1 टाइम्स, मीन्स आपको लिख सकते हैं क्या 1200 को आप लिख सकते हैं 2 का पावर 4, 3 का पावर 1 और 5 का पावर 2। ठीक है, यहाँ अब देखिए यहाँ पर यदि बात किया जाए LCM का, या पहले बात करते हैं HCF का, तो HCF देखा जाए इन दोनों का HCF में जो सबसे स्मॉलेस्ट पावर होता है, तो 2 का स्मॉलेस्ट पावर कितना है यहाँ पर, सबसे कम पावर कितना है? 1, मतलब 2 का पावर 1, और 5 है अदर प्राइम नंबर हो गया 5, 5 का सबसे कम पावर किसमें? इस पार्ट में है, तो सबसे कम पावर कितना है? 2। और यहाँ देखिए यहाँ 3 का पावर 1 है लेकिन यहाँ 3 का पावर नहीं है, मतलब 3 का पावर 0 हो गया। तो हम लोग 0 लिखे या नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब हम लोग देखते हैं सिर्फ और सिर्फ आपको कौन सा आपका प्राइम नंबर इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ 2 और 5 दोनों में कॉमन है, और दोनों में कॉमन है और उसका सबसे स्मॉलेस्ट पावर को लिए हैं। अब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 25 2 जा 50, मतलब इन दोनों का HCF क्या हो जाएगा? 50। अब देखिए यहाँ अब आप बात किया जाए LCM का, तो LCM देखा जाए तो सबसे LCM हम लोग क्या करते हैं, जैसे HCF हो गया आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कॉमन फैक्टर दोनों में जो कॉमन है, ठीक है, तो दोनों में कॉमन जो होगा, जो स्मॉलेस्ट पावर होगा वही दोनों में कॉमन होगा, हाईएस्ट तो दोनों में कॉमन हो नहीं सकता है। ठीक है, और यहाँ फैक्टर तो ये जो कॉमन होगा वो आपका फैक्टर होगा ही। ठीक है, यहाँ तक। अब देखिए अब बात किया जाए इसका LCM का, तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो मल्टीपल मल्टीपल हम लोग देखते हैं क्या, कि मल्टीपल का मतलब कि जो होगा आपका सबसे हाईएस्ट रहता है वो आपका मल्टीपल का रहता है, तो 2 का पावर हाईएस्ट क्या है? 2 का पावर 4। उसके बाद 5 का पावर हाईएस्ट कितना है? 4। और 2 और 5 के अलावा कौन बच गया? 3, क्योंकि कोई भी नंबर आपका मल्टीपल, जैसे कि 2 का मल्टीपल है 6 और 6 को यदि आप 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 42 होता है, वो 42 भी आपका 2 का मल्टीपल कहलाएगा। इसलिए हम लोग जो नंबर है वो और साथ ही साथ जो बच गया रिमेनिंग रह गया उसको भी हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 का पावर 1 से। यहाँ देखिए आपका हो जाएगा कितना? 2 का पावर 4, 5 का पावर 4, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो होगा आपका कितना? 10,000, 10,000 × 3 हो जाएगा आपका टोटल 30,000। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, यहाँ देखिए ये आपका हो गया LCM, तो LCM और HCF, चलिए ये देखते हैं, ये तो आपका LCM और HCF दो नंबर का निकल गया। अब देखिए एक फार्मूला आपका होता है, यदि कोई नंबर होता है इफ़ ए एंड बी आर टू, इफ़ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर, देन
एस सी एफ किसका, ए और बी का, और एल सी एम किसका, ए और बी का। इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो ए और बी के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यही आपका एक फार्मूला हो गया। इसी फार्मूला पे बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है तो चलिए देखिए, ये आपका फार्मूला हुआ, इसी फार्मूला में बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे आपके। और देखिए यहाँ पर अब हम लोग इसका पहले हम लोग रिलेशन बना के देखते हैं। देखिए ये आपका सपोजेड क्वेश्चन रहेगा कि कोई दो नंबर का एस सी एफ दिया हुआ है, दो नंबर का एल सी एम दिया हुआ है, क्या ये पॉसिबल है? तो ये पॉसिबल होने के लिए केस क्या होता है कि यदि ए और बी, यहाँ पर देखिए, यहाँ नोट में देखिएगा, इन दिस केस In this case, LCM is always always divided by SCF. ठीक है, LCM जो होता है वो हमेशा डिवाइड होता है किससे, डिवाइड होता है किससे, SCF से। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ LCM हो गया आपका क्या 30,000 और SCF क्या हो गया 50, क्या इससे डिवाइड है? हाँ डिवाइड है, देख लीजिए आप 600 टाइम्स में। ठीक है तो यहाँ जो LCM हुआ वो SCF से डिवाइड है। ठीक है डिवाइड होगा कितना आया 600, मतलब कि एलसीएम जो है, यदि आप एससीएफ को 50 को 600 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका एलसीएम। ठीक है तो चलिए ये देखिए, ये जब होगा मतलब वो डिविजिबल होगा तो ही आपका ये पॉसिबल है, ये केस पॉसिबल। जैसे कि क्वेश्चन देख लीजिए, मान लीजिए दो नंबर है, ठीक है दो नंबर है ए और बी, इन दोनों का एससीएफ दिया हुआ है आपका 18, ठीक है इन दोनों का एलसीएम जो है, इन दोनों का एलसीएम ही आपका गिवन है 40, तो क्या ये पॉसिबल है? तो देखते हैं, तो यहाँ जब आप एलसीएम को 40 को डिवाइड कीजिए 18 से, ये डिवाइड नहीं होगा, मतलब डिवाइड नहीं होगा तो ये पॉसिबल नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है इस पर आपका एक क्वेश्चन, एक नंबर का एक ये क्वेश्चन रहता है, इस पर आपका दो नंबर का रहता है क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, ये बेसिक और स्टैंडर्ड, बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों को, दोनों बच्चों के लिए है। यहाँ पर दोनों से क्वेश्चन इस टाइप का किया जा सकता है। ठीक है तो इसके इस एक्सरसाइज का 1.2 में आपका कुछ क्वेश्चन है, पहला फर्स्ट में प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करने का, तो इस तरह से हम लोग कई क्वेश्चन को प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि चलिए एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, एक क्वेश्चन है आपका 1.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 140 को प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करना है, तो 140 को प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करने का मतलब क्या कि इसको सबसे हम पहले हम लोग क्या करेंगे, प्राइम नंबर से डिवाइड कर दे, पहले 2 हो गया, 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 70, 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 35, अगेन अब 3 से नहीं होगा तो ये क्या होगा आपका 5 से 7 टाइम्स, मतलब कि आप 140 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 × 7, 2 × 2 × 5 × 1 × 7 × 1, ये हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है यही प्राइम फैक्टराइजेशन से आप एस सी एफ और एल सी एम फाइंड करके, सेकंड क्वेश्चन है आपका जैसे 26 और 91 का वेरीफाई करना है कि इन दोनों का प्रोडक्ट है या नहीं है। जैसे कि यहाँ पर भी आप वेरीफाई कर सकते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इतना आएगा, तो ये आपका वेरीफाई हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं 26 और 91, 26 को फैक्टराइज कीजिएगा तो आएगा आपका 2 × 13। ठीक है उस तरह से हम लोग 91 को फैक्टराइज करते हैं तो आता है कितना 7 × 13। ठीक है अब इसका एस सी एफ का बात किया जाए तो एस सी एफ का मतलब बताया था सबसे जो कॉमन है, और कॉमन दोनों में 13 कॉमन है और दोनों का पावर 1 ही है, इसलिए आपका एस सी एफ हो गया 13। और एल सी एम का बात किया जाए तो जो कॉमन है सबसे पहले वो कॉमन लिखा लिया जाएगा, उसके बाद जो अदर नंबर है 2 हो गया और 7 हो गया। ठीक है यहाँ मल्टीप्लाई कीजिएगा इसको, आप यहाँ आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा आपके कितना 90 2 और 182। यहाँ देखिए यहाँ पर आपको एलसीएम आ गया 182। अब आपको वेरीफाई करना है तो वेरीफाई में आपको देखना है क्या है कि एससीएफ किसका 26 और 91 का एससीएफ और एलसीएम इसी का एलसीएम भी 26 और 91 का एलसीएम जो है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या इक्वल है 26 × 91 के, तो चेक करते हैं। चलिए हम लोग लिखते हैं इसका एलएचएस, LHS पार्ट लीजिएगा तो SCF कितना हो गया इसका 13, LCM कितना हो गया 182, इन दोनों का प्रोडक्ट किया 13 × 2 = 26, 13 × 8 = 184, 184 × 2 = 6 = 10, 23। यहाँ देखिए यहाँ LHS आपका इतना आ गया। अब RHS को हम लोग चेक करते हैं तो RHS हो गया आपका कितना 26 × 91, तो 26 × 91 26 बन जा हो गया 6 carry 2 26 26 9 जा
तो 26 9 जो आपका हो गया, यहाँ पर देखिए 26 9 2 3 4 2 3 4 और देखिए 2 3 4 और यहाँ कितना था कैरी 2, तो 2 हो गया आपका कितना 2 3 6। यहाँ देखिए ये भी एल एच एस और आर एच एस दोनों इक्वल हो गया, मतलब ये वेरीफाई हो गया। लेकिन हियर एल एच एस इक्वल टू आर एच एस वेरीफाइड, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसका क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए चलिए बच्चों अब देखते हैं 1.2 के एक्सरसाइज 1.2 का कुछ और क्वेश्चन। तो उस क्वेश्चन में थर्ड पार्ट में आपका लिखा हुआ है, थर्ड पार्ट का थर्ड में आपका दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन 12 15 21। इसका आपको एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। तो एचसीएफ एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, तो यहाँ एचसीएफ एलसीएम फाइंड कर सकते हैं इसका 2 × 2 × 3, ठीक है। उस तरह से 15 को आप लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन 3 × 5, 21 को लिख सकते हैं आप क्या 3 × 7। तो यहाँ देखिए इसका एस सी एफ का बात किया जाए तो एस सी एफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे पहले इसमें देखते हैं सभी में कॉमन क्या था, यहाँ 3 3 3 सभी में कॉमन है, तो पहले 3 का पावर स्मॉलेस्ट पावर कितना है 1, जो कि सभी में है, ठीक है। तो यहाँ 3 लिख दिया, और अदर कोई कॉमन है नहीं, यहाँ अदर कोई कॉमन नहीं है, तो अदर कोई कॉमन नहीं है तो इसको छोड़ देंगे, मतलब एस सी एफ हो गया आपका 3, मतलब ये 3 से जो है आपका तीनों नंबर डिवाइड होता है, ठीक है। अब देखिए अब एलसीएम का बात किया जाए तो एलसीएम में हो गया आपका क्या, सबसे पहले जो कॉमन है उसको लिख दिया 3, उसके बाद जो रिमेनिंग है लेफ्ट है, लेफ्ट क्या क्या है 2 × 2 लेफ्ट है, इसमें 5 लेफ्ट है और इसमें 7 लेफ्ट है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दे, देखिए मल्टीप्लाई करने के ये हो गया आपका 10, 3 × 2 = 6, 6 × 7 = 42, 42 × 10 हो गया 420, ठीक है। ये हो गया आपका एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ आपका सिर्फ और सिर्फ एचसीएफ और एलसीएम ही निकालना था, वेरीफाई नहीं करना है, क्योंकि यहाँ ये वेरीफाई सिर्फ और सिर्फ दो नंबर के लिए वेरिफिकेशन किया जा सकता है, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख सकते हैं, यहाँ आपका क्वेश्चन दिया हुआ एचसीएफ 306 और 657 का इक्वल टू 9, और कह रहा है फाइंड एलसीएम किसका 306 और 657 का, इसी का आपको एलसीएम फाइंड करने के लिए। तो एलसीएम के लिए अभी हम लोग कुछ देर पहले ये फॉर्मूला जाने थे, यहाँ देखिए इसको इस फॉर्मूला का हम लोग यूज़ करेंगे इस फॉर्मूला का, ठीक है। एलसीएम फाइंड करना है तो क्या करेंगे, ए और बी दोनों का प्रोडक्ट को डिवाइड कर देंगे किससे, एचसीएफ से, ठीक है। तो यहाँ देखिए तो हम लोग एलसीएम जब लिखते हैं 306 और 657 का, तो 306 और 657 के प्रोडक्ट को डिवाइड कर देंगे किससे, एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना है 9, तो 9 से डिवाइड कीजिए, तो 9 से डिवाइड कीजिएगा, मतलब ये भी डिवाइड होगा, 9 7 = 63 और उसके बाद 9 3 = 27। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो ये आपको आ जाएगा मल्टीप्लाई 22 338, ठीक है। ये हो गया आपका एलसीएम और ये हो गया जो आपका एचसीएफ दिया हुआ था उससे हम लोग एलसीएम इसका फाइंड करी थी, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए अब इसी के कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, तो कुछ और क्वेश्चन आप डिस्कस कीजिएगा। तो इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आपका अलग टाइप का थोड़ा क्वेश्चन है, लेकिन उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इस टाइप का दो क्वेश्चन है आपका 6 to the power n और 4 to the power n के बारे में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर उसके बाद आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, तो 6 पे को हम लोग देखते हैं। तो 6 में क्वेश्चन कह रहा है कि इसको आपको बताना है एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड एक और क्वेश्चन इसी में एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 आप +5, ये दोनों का दोनों क्यों कंपोजिट नंबर है। तो हम लोग कंपोजिट नंबर के बारे में जानते हैं क्या, कि यदि दो कोई भी नंबर हो, ठीक है, उसका फैक्टर 2 से ज़्यादा हो, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या कंपोजिट नंबर। दो फैक्टर होता है उसको हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर। तो यहाँ देखिए कंपोजिट नंबर, तो इन दोनों में पहले देखिए 13 कॉमन है, हाँ है कॉमन, ले लीजिए कॉमन, ठीक है। तो बच गया क्या आपका 7 × 11 प्लस यहाँ पर 13 में से 13 कॉमन लेनी, तो बच गया 1, ठीक है 13, और यहाँ हो गया कितना 78। यहाँ देखिए एक कोई भी नंबर 1 से तो डिवाइड है ही, ये 13 से डिवाइड हो रहा है और ये क्या हो रहा है 78 से डिवाइड हो रहा है, 78 भी अदर नंबर से डिवाइड होंगे, लेकिन यहाँ पर आपको बस देखना है कि 2 से ज़्यादा है कि नहीं है, ठीक है। तो लिखेंगे दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 1, 13 एंड 78,
मीन्स मीन्स मोर देन टू फैक्टर, मोर देन टू फैक्टर्स, ठीक है, मोर देन टू फैक्टर्स, सो इट इज अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। इस तरह से आप इसमें से भी कॉमन ले सकते हैं क्या, फाइव, फाइव कॉमन लीजिए, उसको बाद इसको सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके इसमें भी इसी तरह से हम लोग वर्ड लिख देंगे, क्योंकि ये कह रहा है एक्सप्लेन कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए कि ये क्यों है, तो एक्सप्लेन में आप ये बता सकते हैं, बता दीजिएगा तो ये आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखेंगे, तो इस एक्सरसाइज के लिए इतना काफ़ी है, और जो आपका क्वेश्चन है एक 6 to the power n और 4 to the power n, तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसके लिए का आपको अलग से टॉपिक पॉइंट्स बताऊंगा मैं, ठीक है फ्रेंड्स, ओके थैंक यू। और इस तरह से आप देखते रहिए वीडियो, और नेक्स्ट आपका लगातार आप देखते रहिए, इससे आपको क्या है कि आपको लगभग 45 डेज के अंदर आपका पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया जाएगा। इसमें आपको हम लोग ये आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो आपको दो दो तीन तीन मेथड से भी आपको क्लियर किया जाएगा, चार चार मेथड से भी बताया जाएगा, यहाँ पर आपको अदर जो आप इंस्टीट्यूट में पढ़े हैं उससे बहुत कुछ अलग बताया जाएगा, जो कि आपको बहुत लोग नहीं बता पाते हैं, ठीक है, जिसके कारण मार्क्स काट लिया जाता है, तो ये आपको मार्क्स क्यों कटता है उससे इसके बारे में भी डिस्कस किया जाएगा, आप में लिखने का कोई तरीका, कैसे क्वेश्चन को हम लोग लिखें कि मार्क्स ना कटें, ठीक है, वो सब चीज़ बताया जाएगा आपको। तो ये हमारे वीडियो पर हमारे चैनल पर बने रहें, और सब्सक्राइब नहीं किए हमारे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आपको पर डे आपको एक दो वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ओके थैंक यू सो मच।